हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, काफ़ी दिनों से ब्लॉग चैनल पर अपने जो है मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो डालते हैं। काफ़ी दिनों से जो है इस पर लगभग एक महीने से भी ज़्यादा का गैप हो चुका है, कोई वीडियो नहीं आई है। और वीडियो ना आने का जो है रीज़न भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि मैं वैसे जनरली ब्लॉग तो बनाता नहीं हूँ, वैसे आपको इन्फॉर्मेशन ही देता हूँ। और इसके अलावा भी जो है कुछ दिनों पहले शायद आपको पता हो या फिर ना पता हो कि मेरा फ़ोन भी खो गया था, जो मेरा पहले का फ़ोन था वो खो गया था। तो जैसे तैसे मैंने अपना मेन चैनल जो है उसको तो रिकवर किया, लेकिन ब्लॉग चैनल जो है वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया था। तो भी जस्ट पिछले दिन, मतलब कल ही मेरा ब्लॉग चैनल रिकवर हुआ है, ब्लॉग चैनल मुझे मिला है। और आज मैंने वीडियो भी शूट कर रहा हूँ कि आपको जो है वीडियो भी इस पर एक कोई डाल दूँ, क्योंकि एक महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। वैसे अपडेट तो काफ़ी सारे थे, लेकिन चैनल ही नहीं था तो मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया। तो वैसे देखिए हुआ क्या कि आप में से काफ़ी लोग जो है हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं कि भाई आपकी आपके चैनल पर इतने व्यूज़ कैसे आते हैं, आपकी वीडियोस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ कैसे आते हैं। क्योंकि मैं आपको पता होगा कि शॉर्ट वीडियो भी डालता नहीं, मेरी हर एक वीडियो लॉन्ग होती है और व्यूज़ फिलहाल ठीक ठाक आते हैं। अगर आप मेरी कैटेगरी के और भी आप अगर चैनल्स देखेंगे, फिलहाल कुछ ना कुछ ठीक ठाक वीडियो व्यूज़ जो है मेरे चैनल पर आ जाता है। वैसे बहुत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी ठीक ठाक व्यूज़ आ जाते हैं मेरे चैनल पर। तो देखिए हमारी वीडियोज़ में थोड़ा सा गाइस फ़र्क भी रहता है, और अदर जो चैनल्स हैं जैसे हमारी ट्रेंड में अभी हो गए, ए टू जेड एक्सपेरिमेंट हो गए, मिस्टर क्रेजी राकेश हो गए, उनसे आप अगर हमारा देखेंगे कंटेंट, थंबनेल अगर आप कुछ भी मैच कराएंगे तो थोड़ा सा अलग होता है। हमारा कंटेंट जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। पहली चीज़ तो ये कि हमारा जो कंटेंट होता है वो केवल और केवल मिस्टर इंडियन हैकर और क्रेजी एक्स वाई जेड पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है कि मैं इनके अलावा और किसी पर जल्दी वीडियो नहीं बनाता हूँ। कभी कभार जो है अगर कोई ज़्यादा तगड़ा कंट्रोवर्सी हो गया तो भले वीडियो बना दूँ, बाकी मैं इनके अलावा किसी पर वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरा जो कंटेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का होता है। दूसरी चीज़ कि मैं जब भी वीडियो कोई डालता हूँ तो मैं अपना जो मैक्सिमम टाइम है उसको थंबनेल में देता हूँ, क्योंकि अगर आप लॉन्ग वीडियो डालते हो तो आपका जो मेन व्यूज़ आने का जो मेन जरिया है वो सिर्फ और सिर्फ थंबनेल है। अगर आपका थंबनेल सही नहीं है तो आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आपका थंबनेल सही नहीं है तो आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आएंगे। और मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो एक एक वीडियो का जो थंबनेल होता है, आपको बस थंबनेल, वैसे तो हम एक थंबनेल लगाते हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं उसके लिए कभी कभार तो मैं एक एक वीडियो के लिए सिर्फ 5 से 6 थंबनेल बनाता हूँ। सिर्फ एक वीडियो के लिए मैं थंबनेल बनाता हूँ, उसके बाद उसको देखता हूँ गौर से कि मतलब अगर ये थंबनेल मेरे सामने आता है किसी वीडियो का तो क्या मैं इस वीडियो पर क्लिक करूँगा। तो आप समझ सकते हो कि मतलब मेरा जो मैक्सिमम टाइम होता है वो वीडियो बनाने से लेकर थंबनेल बनाने में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हमारा, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि थंबनेल जो है अगर आप अट्रैक्टिव बनाते हो तो आपकी वीडियोस पर व्यूज श्योरली आएंगे। अब जैसे थोड़ा सा कंटेंट पर भी इसका इफेक्ट होता है, जैसे भी देखो मिस्टर इंडियन हैकर ने अपना घोस्ट कॉलिंग वाला वीडियो जो था उसका पार्ट 1 अपलोड किया। अब पार्ट 1 में ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो कि मतलब ऐसा लगता था कि अगर हम कोई थंबनेल ऐसा डाल दें जिसमें पार्ट 2 लिख दें। अब देखिए अगर आप ये थंबनेल देख सकते हो, इस थंबनेल में पहले मैंने जहाँ पर आप नीचे पार्ट 2 देख रहे हैं, यहाँ पर हमने पहले क्या लिखा था पता है? मैंने यहाँ पर लिखा था फेक और रियल थंबनेल में, लेकिन फिर मुझे बाद में लगा कि अब पार्ट 1 तो काफ़ी लोग देख चुके हैं तो अगर हम यहाँ पर पार्ट 2 डाल देते हैं तो कुछ लोग तो पार्ट 2 देखकर ही क्लिक करेंगे वीडियो पर, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। केवल 6 घंटे में हमारी इस वीडियो ने 2 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस कर दिए हैं, केवल 6 घंटे में इस वीडियो ने। और अभी भी इस पर लगभग 275 के शायद व्यूज़ हैं अभी भी इस टाइम पर, आप अगर चेक करेंगे तो। तो कुछ ऐसा सीन होता है कि आपको कंटेंट चूज करना होता है। और एक चीज़ और बता दूं कि मेरा जो जितना व्यूज़ अभी तक आया था, टोटल जितना व्यूज़ इस महीने के 20 दिन में आया था टोटल, उसका 2 गुना व्यूज़ हमारा सिर्फ एक दिन में आया है, वो भी इस वीडियो पर। तो आप समझ सकते हो, तो कुछ ऐसा होता है यूट्यूब के एल्गोरिथम, कुछ ऐसा ही होता है कि आपको भी बस कंटेंट चूज करना रहता है कि आप किस तरह से वीडियोज़ डालते हैं, किस तरह से उसको थंबनेल बनाते हैं, तो उसी टाइप से आपके व्यूज़ भी आएंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपको थंबनेल में ज़्यादा समय देना है, और उस वीडियो की वजह से ही हमारे चैनल पर 40 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हुए हैं। लगभग 39.7 के थे, वैसे 40 के तो होने ही वाले थे, लेकिन उस वीडियो की वजह से जल्दी हो गए, नहीं तो शायद अभी 2-4 दिन और लग जाते। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी लोगों को इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और बाकी और कुछ नहीं, ऐसा ही कॉन्टेंट चलता रहता है अपना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ब्लॉग के साथ या फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।